कौन है, कैसे हो आप सब, आशा करते हैं मेरे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे हैं। तो हैप्पी सावन माय यूट्यूब फैमिली, सारी मेरी फैमिली को। मेरी फर्स्ट सावन है यूट्यूब जो मैंने स्टार्ट करा है, तो व्लॉगिंग। तो बस मैं अब तैयार होके मंदिर जा रही हूँ अपनी बहन मम्मा के साथ, आपको वहीं पर मिलती हूँ, तो बने रहिए व्लॉग में। हम मंदिर जा रहे हैं तो मैं भी मम्मा भी जा रही है, हाँ तो आपको वहीं पर मिलती है। हम मंदिर से आ चुके हैं और मतलब ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, तो आज ब्रेकफास्ट में चने की रोटी और साथ में है चाय, अभी जो कीजिए और खाने का मिलती है कहीं, मैं जाएंगे बने व्लॉग में, बहुत कुछ है खा सके। जल को माफी करते चला रहे दर्शन हुए और साथ ही अब घर जा ही रहे हैं, लेकिन घर जाते जाते महादेव जी प्रसन्न हो गए हैं तो हमारी जो अभी है धीरे धीरे आ रहे हैं, तो बस घर जाते आपसे मिलती है, क्योंकि मम्मा तो बहुत जल्दी भी जा रही है, लेकिन ना कपड़े देना तो मम्मा को बड़ा बड़ा, और मेरी चप्पल ना बहुत स्लिपी हो रही है इसलिए मैं आते इतनी भाग सकती हूँ, तो बस हम जा ही रहे हैं, मैं इसके बाद धीरे धीरे चल रही हूँ, तो आपसे मिलने वाली। वेल गाइस लंच टाइम हो गया, मैं लंच बनाने जा रही हूँ परौंठे, और आज सब्जी क्या खास है मेरे को अच्छी लगती है तो आपको मैं वही दिखाऊंगी, तो उसे बने लंच के लिए। गाइस अपना लंच टाइम हो गया, तो लंच में क्या खास है आपको तो मैंने बताया ही नहीं, लेकिन क्या खास है मैं बना के आ चुकी हूँ, तो कुछ खाती हूँ वाली बात नहीं, आपको बात नहीं बताती हूँ, और इसके लिए बने रहे। अब मैं खाने जा रही हूँ महादेव जी का प्रसाद, तो आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए प्रसाद में खीर है, आप भी वो मुँह लगाइए, और साथ में आपको एक बार बतानी है इससे रिलेटेड। लंच तो हमारा हो गया, अब मैं आगे किचन में किचन का काम करना को दिखाती हूँ, काम करने के बाद मिलते कहीं पर जाएगा बने ब्लॉग में, बहुत कुछ खा सके। महादेव जी को ना वाइट कलर की भोजन में भी और वस्त्र में भी, वाइट कलर के वस्त्र भी पसंद है और भोजन में, तो इसलिए प्रसाद में खीर बनी थी मंदिर में, और मैंने भी स्किन कलर की पहनी है, और भी लोग भी वाइट पहन रहे थे, और मेरी बहन ने भी चुन्नी वाइट कलर की नहीं थी, हालांकि मेरे को हमारी मेरी स्किन थी इसकी, मेरे हाँ मेरी पीच में थी थोड़ी, पीच नहीं थी मेरी, लेमन जैसे हाँ वो हल्का हो गया ना, तो इसमें तो और हल्का लग रहा है, तो इसलिए हमने भी ये रहे कपड़े यानी, तो आपसे मैंने कहा ये बात शेयर कर लूँ, तो आपसे प्रसाद खाने के बाद मिलते हैं कहीं पर जाएगा मेरे ब्लॉग में, बहुत कुछ है खा कर को आपको बताया था ना कि जो घी का प्रसाद था और दही से रिलेटेड क्या बात थी जो मुझसे गुलचुक होने वाली थी, वो क्या था कि मैंने लाइट नहीं लगाई थी जल्दीबाजी में, तो मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैंने नमक डालने वाली थी खीर के अंदर, ये तो गलती होने से बचा नहीं भगवान ने, वरना वो गलत हो जाता। और वैसे हंसी की बात ये है कि कर्ड में को मैं खीर समझ रही थी, तो हंसी की बात ये थी, तो ये शुक्र है महादेव जी ने मुझे बचा लिया गलती होने से, कि उनको चीनी और नमक वो नहीं है पसंद, तो नमक नहीं खाते ना व्रत में भी, तो वैसे तो हमने व्रत नहीं रखा, लेकिन फिर भी वो तो प्रसाद तो उन्हीं का है ना महादेव जी का, तो सही गलती होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन भगवान ने बताई थैंक गॉड। तो यही बात थी जो आपसे मैं शेयर करना चाहती थी, उस समय नहीं शेयर कर पाई,
आगे के लिए बने ब्लॉग में। जूड़ी बात आपसे कहनी है, और जूड़ी बात क्या है आपको बताती हूँ। आपको तो पता ही है सावन चढ़ चुका है, तो सभी लोग मतलब गर्ल्स और लेडीज़ को हाथ में मेहंदी और नेल पेंट लगाने का कितना शौक होता है। हम भी करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है। अरे हैंड्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर नेल आर्ट और फिर नेल्स को सजाएंगे अच्छी तरह से, फिर उसको मेहंदी भी लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लिप में जरूर शेयर करूँगी मैं आपसे, तो मैंने कहा आपको पहले ही बता देती हूँ। और भी कुछ कास्ट करने वाली हूँ, वो क्या कास्ट करने वाली हूँ उसके लिए भी आप देखते रहिए मेरा ब्लॉग। और गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम नए नए कंटेंट आपके सामने ला सकें, क्योंकि बाबा जी की वैसे आपको सपोर्ट ही में आगे देखने की जगह। प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट कीजिए। तो अगर गाइस मैं कहने वाली थी कि नेल्स का और मेहंदी का जो मतलब वो है ना कॉम्बिनेशन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी और नेल्स का, शुरू से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अब तो सावन चल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि अभी भी ये मौका मतलब हाथ से जाने का अच्छा सा मौका हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैंने कहा आपको ये बता दूँ, और साथ साथ और भी बहुत कुछ सरप्राइजेज है, वो क्या है उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा ब्लॉग में। ऐड करने का वक्त आ गया, आपसे वीडियो देने का वक्त आ गया, मन तो बने रहने के जहाँ से बढ़ते रहेंगे। फिर आपसे मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, जब तक के लिए आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखिए, आने वाले ब्लॉग में खास होंगे उन्हें भी देखिएगा, अगर शॉर्ट्स आप उन्हें भी देखिएगा, रील्स डाल के उन्हें भी देखिएगा। और या गाइस इंस्टाग्राम मेरे नाम इंद्रजीत कौर के सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, आपको जो कुछ भी पूछो कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे ब्लॉग्स को देखिएगा, ये मेरा डालू किसी भी देखिएगा, मेरा तो सावन था तो उसमें भी बहुत कुछ खास था, और मेरे ब्लॉग हमेशा खास ही होती है, तो प्लीज़ देखिएगा। और क्या क्या नए नए कंटेंट लेके आती हूँ उसे भी जरूर देखिएगा। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड होता है। बाय, गुड नाइट।